दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये चैनल में हम आपको बताएंगे बजी तोते के बारे में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप बजीज घर लेके आना चाहते हो तो फिर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए और किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। सबसे पहले बात आती है केज की। ध्यान रखें कि केज की लंबाई यानी विड्थ ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और हाइट थोड़ी कम भी हो तो चलेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। और दोस्तों, हमें सर्कुलर केज का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि बजीज को केज के कोने ज़्यादा पसंद है और उनको उसमें सेफ़ भी लगता है। तो मेक श्योर कि आप सर्कुलर केज ना ले और ज़्यादा छोटी केज भी ना ले, जैसे अब वीडियो में देख रहे हो। और अब आप देख सकते हो कि केज के साथ हमें दो कंटेनर मिलते हैं, एक हम फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा पानी के लिए। ये जो आप अभी वीडियो में देख रहे हो वो नॉर्मल बजी फूड है जो आपको पेट शॉप में भी मिल जाएगा और आप ये ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड किया है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। आगे चलकर बजीज के डाइट का हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। कुछ केज में ऐसा ट्रे मिलता है जिसमें हम पेपर बिछा के रख सकते हैं ताकि क्लीन करते वक्त आसानी हो। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके केज में ऐसा ट्रे ना हो तो पेपर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि बर्ड्स उसको श्रेड करने लग जाते हैं। फिर बात आती है टॉयज़ की। बजीज़ को टॉयज़ के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। हमने ये दो टॉयज़ यूज़ किए हैं, आपको ये इजीली ऑनलाइन में मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टॉयज़ का लिंक ऐड किया है, आप वहाँ से इनको परचेज कर सकते हो। ध्यान रखें कि आपकी केज में 2 से 3 टॉयज़ हो और बजीज़ को बैठने के लिए 1 से 2 लकड़े की छोटी काठी या फिर पेड़ की टहनी हो। अभी हमारा केज तैयार है बजीज़ के लिए, तो चलिए ध्यान से इनको अंदर रखते हैं और लेट देम डिस्कवर देयर न्यू होम। आप केज को किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ से बजीज आपको और आप बजीज को देख सके, सुन सके, ताकि उनको आपके साथ रहने की आदत हो। और दोस्तों, शुरुआत के दिनों में उनको टेम करने की या बाहर निकालने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ उनके केज के पास बैठ सकते हो और हर रोज़ उनको खाना और पानी देते रहें ताकि वो आपसे फैमिलियर हो सके। अगर आपने केज में हाथ डाल के ज़बरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की तो फिर वो डर जाएंगे और केज से बाहर ही नहीं आएंगे। तो आप शुरुआत के दिनों में ऐसा ना करें। अगर आपको बजीज को टेम करने के लिए कुछ टिप्स चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं, उसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। और आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, स्टे सेफ़।